आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। भारतीय नौसेना में भारत की रक्षा कर रहे विमान सी हैरियर सफेद बाघ के आखिरी वंशज विराट के लोगों के साथ आज रीवा पहुंचा है। पूर्व मंत्री व रीवा के महाराजा पुष्पराज सिंह ने सैनिक स्कूल पहुंचकर सी हैरियर विमान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनकी लगातार कोशिश रही कि सी हैरियर विमान अपने यहां वापस आए, जिसका नतीजा है कि आज भारतीय नौसेना का विमान व्हाइट टाइगर के लोगों के साथ आज रीवा में खड़ा है। इसे सी हैरियर विमान कहते हैं। बताया गया कि भारत की सीमाओं का सजीव रूप से क्षेत्र रक्षण करने वाले सी हैरियर विमान, जिसमें रीवा में जन्मे व्हाइट टाइगर का लोगो यानी कि चित्र दिख रहा है, वह व्हाइट टाइगर विराट है। बताया गया कि विश्व प्रसिद्ध रीवा के सफेद बाघ मोहन का अंतिम वंश विराट हमारे यहाँ लगभग 19 साल रहा और सन 75 में भारतीय नौसेना को दिया गया और आज वह नौसेना में भारत का रक्षण कर रहा है। यह हमारे लिए बेहद ही गर्व की बात है। बता दें कि सी हैरियर ने फॉकलैंड युद्ध और बॉल्कन संघर्षों में सेवा की। सभी अवसरों पर यह मुख्य रूप से संघर्ष क्षेत्र के भीतर तैनात विमान वाहक से संचालित होता था। फॉकलैंड युद्ध में इसका उपयोग इसकी सबसे उच्च प्रोफाइल और महत्वपूर्ण सफलता थी। जब यह ब्रिटिश टास्क फोर्स की सुरक्षा के लिए उपलब्ध एकमात्र फिक्स विंग लड़ाकू विमान था। संघर्ष के दौरान सी हैरियर के दुश्मनों के 20 विमानों को मार गिराया। फिलहाल इस विमान के रीवा आने पर पूर्व मंत्री व महाराजा पुष्पराज सिंह ने प्रसन्नता जाहिर की है। भारतीय नौसेना का जागरूक और सशक्त विमान व्हाइट टाइगर के लोगों के साथ जो खड़ा है उसको कहते हैं सी हैरियर। भारत की सीमा रक्षाओं का लगभग क्षेत्र रक्षण और सजीव रूप से अगर बचाव किया है तो ये सी हैरियर है, जिस पे आपके रीवा का व्हाइट टाइगर दिख रहा है, जो व्हाइट टाइगर विराट है। मोहन का अंतिम बच्चा विराट हमारे यहाँ लगभग 19 साल रहा और सन 75 में उसको भारतीय नौसेना को दिया गया। आज वो नौसेना का रक्षण कर रहा है, भारत का रक्षण कर रहा है। बड़े गर्व के साथ रीवा से पुष्पराज सिंह।